ट्राइपॉड और सब कुछ मिला जुला के 70,000 का कैमरा था हुआ। और एक दिक्कत क्या हुई है कि जो मेरा कैमरा था वहाँ लग रहा है एक जगह छूट गया जहाँ पर हम लोग चाय पी रहे थे, तो वहीं पर चाय पीते समय जो है कैमरा हमने रखा था, उसके बाद ध्यान नहीं है कि गाड़ी में लाए हैं कि नहीं। जिया ने जो रिया को भी फोन किया है तो रिया भी आ रही है, तो जाम में थोड़ा फंस गई है, तो देखिए कब तक आती है। तो अभी चल रहे जी पास के दुकान, कुछ जो है घर का सामान लेना है वहाँ पर, मम्मी से पूछ लेते हैं शायद मेरे दिमाग से उतर ना जाए, क्योंकि जब भी मैं दुकान जाता हूँ तो कुछ ना कुछ एक सामान जो है जरूर रह जाता है। क्या क्या लेना है? बेसन लेना था, हल्दी लेना था, अच्छा हल्दी लेना है, गोटा जीरा लेना है, हाँ, सोयाबीन लेना है, ठीक है, वर्तमान में इतना ही अब मुझे याद नहीं। तो चाहिए हल्दी, सोयाबीन और जीरा। ये देखो क्रियांश, आप जो बोल रहे थे वो हाँ कर रहा था, ये भी कर रहा था। तुमको भी कुछ चाहिए क्रियांश? क्रियांश वही अपने में व्यस्त है, अभी बहुत व्यस्त है ये। क्रियांश का मालिश तो हो गया, क्रियांश खेल भी लिया मजे में है ना, क्रियांश का खेलना भी हो गया और अब बारी है इसकी नहाने की। तो इसको जो नहाने का काम होता है वो हमारा ही काम है, ये जो नहीं नहीं ये जो पापा के साथ करता है, ठीक है, पापा इसको नहलाते हैं। चले क्रियांश, वही क्रियांश चले, राइट चले नहाने के लिए। और नजर ना लगे जी, नहाता बड़े मजे में है, लगभग इसको 20 मिनट 30 मिनट लगता है नहाने में, और बहुत ही अच्छे से नहाता है, बहुत ही प्यार से नहाता है। 20 minutes later. क्रियांश का तो नहाना हो गया है, और जैसे ही कल क्रियांश की तारीफ किए थे कि नहाते समय परेशान नहीं करता है, बस कल से ही बदमाशी शुरू कर देगा। आखिर होता क्यों? दूध पी लिया, खाना तो खा लिया, फिर स्नान कर लिया, रोता क्यों? सोने के लिए लगता है ना, अभी हमने The next day. और यहाँ पर रोटी बनने की चल रही है जी तैयारी, और वहाँ जो है सब्जी सब बन चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, अभी आपको दिखाता हूँ कौन सी सब्जी बनी है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है वह सब्जी। यहाँ पर सब्जी बना है जी वह बेसन का, देख सकते हैं, और काफी अच्छा लगता है हमें, और यहाँ तो रस में डल गया है कुछ, और कुछ जो है बाहर है। बेसन का सब्जी नहीं है। किस चीज का है ये? चना को फुला करके, अच्छा, उसको मिक्सी में पीस करके उसको बनाए है पेस्ट, उसको हम बर्फी बना करके, अच्छा, उसका कट किए हैं, फ्राई करके। ओके, हमको लगा बेसन का है, लेकिन बेसन का ऐसा ही लगता है देखने में। बेसन मेरे चैनल पर। अब बारी हो गई है जी इसके नहाने की, तो इसको लेकर के चलते हैं और इसको नहलाते हैं। चले क्रियांश चले, ओए ओए ओए, क्या कपड़ा लेगा ये खींच के मुंह में? हाँ, कपड़ा मुंह में लेना है खाने के लिए। कैमरा देख के चुप। वाह। A few moments later. क्रियांश का नहीं नहीं जो हो चुका है और मजे में नहा लिया है क्रियांश, है ना? बहुत इंजॉय किया हुआ। अच्छा साड़ी पहनाई है क्रियांश को? साड़ी नहीं, ये हो गया एकदम एक साधु महात्मा जिसे नहीं होता है उस टाइप का लुक। नहीं पल्लू है नहीं, नहीं। ये साड़ी का डिजाइन है, ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर साड़ी। थोड़ी देर पहले ही जो है क्रियांश को हम लोग सुला करके गए हुए थे, बहुत मेहनत लगा था क्रियांश को सुलाने में, बहुत मेहनत के बाद बहुत मशक्कत के बाद मेरी माँ लेकर के टहल रही थी, हम लेकर के टहल रही थी, जिया लेकर के टहल रही थी, डैडी लेकर के टहल रहे थे, और फिर जो है यह सोया था, और कुछ ही देर सोया होगा, मुश्किल से 15-20 मिनट, और इसका रवैया देखिए, आराम से उठ के खेल रहा है, यही चल रहा है इसका। महाराज सो जाइए, आप सोएंगे तब थोड़ा आराम मिलेगा। The next day. तो जी आज फाइनली मम्मी तैयार हो गई है, जिसके लिए मम्मी को बहुत दिनों से बोल रहे थे। हम लोग चाह रहे थे कि पूरा परिवार जो एक किसी ट्रिप पर निकले, भले ऐसा हुआ था कि 15-20 दिन पहले गए हुए थे, लेकिन मम्मी को बोलते हैं कि हर संडे को चलो कहीं ना कहीं कोई भी मंदिर होगा तो वहाँ चल दिया करेंगे, इतना रविवार तो टल गया वैसे ही, लेकिन यह रविवार जो है फाइनली हम लोग जा रहे हैं, और क्रियांश भी यहाँ उठ चुका है कुछ ही देर पहले, और अब ऐसा करते हैं सभी लोग अपना तैयार होते हैं, जैसे ही घर में साफ सफाई होगी निकलेंगे। हर संडे तो जाना पॉसिबल नहीं, लेकिन महीना में 2 दिन अब हम जरूर घूमेंगे, सब दिन अपने घर के लिए परिवार के लिए सब दिन काम किए, नौकरी किए, सब कुछ किए, अब भगवान के लिए थोड़ा सा, भगवान के लिए सना तो हम हर पल देते हैं, लेकिन हम मंदिर में जाके देंगे, थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी हो जाएगा। घूमना नहीं, मैं पूजा के उद्देश्य से जाए, मेरा घूमना कोई उद्देश्य। अच्छा ठीक है, नहीं हमारा घूमना भी है और पूजा पाठ भी हो जाए, ऐसा है उद्देश्य। सिर्फ देश है देवद्वार महाजी देना, ताकि हम भगवान से दया मांगे और संपूर्ण समाज का कल्याण। तो अब चलते हैं जी, जल्दी से जाकर के स्नान कर लेते हैं, स्नान करने के बाद जाकर के गाड़ी को लाते हैं, और फिर उसके बाद जो है सभी लोग निकलेंगे यहाँ से। तो जिया भी अपना मोबाइल जो है पूरा चार्ज कर ले रही है, वैसे मोबाइल जो है लगभग चार्ज है ही, फिर भी जो बचा है पावर बैंक से कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं। A few moments later.
तो जी नहाना हो गया और हम हो गए तैयार, जिया भी तैयार है और माँ भी लगभग तैयार हो ही चुकी है। पापा जो है नीचे इंतजार कर रहे हैं और क्रियांश अभी सो गया है। सोचने के बाद ही लेट हो ही जाता है। हाँ, कितनी भी कोशिश करें लेट हो ही जाता है। आज ये नहीं कह सकते हैं किसके कारण लेट हुआ, किसको सब जिम्मेदार है। अच्छा सबसे बड़ा जिम्मेदार मेरा पोता। वाह, क्रियांश जो है अभी सोया हुआ है जो की अच्छी बात है, और क्रियांश सोया हुआ ही रहे ताकि गाड़ी जो है थोड़ी दूर तक चली जाए, बीच में उठे कोई दिक्कत नहीं है, वरना इतनी तबाही मचाता है वो पूछिए मत। भगवान को 100 बार धन्यवाद जो कि ऐसा समय भगवान दे कि जब उनको इच्छा होती है तब उनके द्वार में चले जाते हैं। इसके लिए हम कह नहीं सकते हैं कि उनके प्रति कितनी निश्रद्धा है, और उन्हीं के भरोसे मेरा सब कुछ चलता है। मिला भी 20 मिनट्स लेटर। दीजिए बैग निकाल के दीजिए। कौन सा बैग? गोवा वाला? आगे रख देते हैं। इसमें सारा गोवा का सामान है। ठीक है। और यहाँ क्रियांश अभी तक तो सोया हुआ था, अब क्रियांश सोया जग गया है। हमारा पूरन देवी के दरबार जा रहा है, इसलिए क्रियांश जग गया है। दादी के साथ भगवान का भक्ति करेगा। चल पूरा नजारा देखते हुए जाता है ये रास्ता में, है ना क्रियांश? है ना? वो घेरा भाई की देता फिर होता उसका था जाते। हेलो, हाँ बोलो, आ रहे हैं। One hour later. तो हम लोग पहुँच गए जी पूरन देवी मंदिर। दीदी डैडी जो है वो अंदर चले गए हैं क्रियांश को लेकर के। हम लोग आए हुए हैं मिठाई की दुकान, यहाँ से ले रहे हैं कुछ मिठाई। मिठाई तो आ गया जी, अब उसके बाद सीधा चलते हैं मंदिर। दीदी डैडी जो है पहले से अंदर गए हुए हैं, तो आ गए जी हम लोग मंदिर, और वहाँ से जो है मम्मी जल लेकर के आ रही है और जल लेकर के आएगी। चलते हैं मंदिर के अंदर। हो गई, अब इसके बाद जो है हम लोग को कहीं और चलना है, एक और मंदिर जाना है, तित्री का दुर्गा मंदिर। 32 से माता हमको वार दिए, मेरी बहू जो यहाँ हॉस्पिटल में थी जी। बात हो रही है रितु की, रितु की 4.4 में हम योग लोग था, हमसे बात छिपा लिया गया था। अच्छा। माँ सुनेगी तो नर्वस हो जाएगी, किसी का कुछ हो जाएगा, लेकिन इनकी दया थी तो माँ का इज्जत बच गया है। इसलिए माँ 1,00,00,000,000,000,000 आपके चरण में मिल जाता है अभी, और दया रहेगी तो बराबर मिल जाते, और हम क्या देंगे आपको, हमको क्या है जो आपको देना। ठीक है जी, अब चलते हैं, बाकी और भी मंदिर का दर्शन करते हैं। इससे पहले हमको जो है अपनी गाड़ी का जो हॉर्न ठीक करना होगा, क्योंकि गाड़ी का हॉर्न खराब हो गया, अचानक से काम करना बंद कर दिया है। तो रास्ते पर चलना और बिना हॉर्न के चलना थोड़ा दिक्कत तो हो रहा है जी, और सुरक्षा के हिसाब से भी थोड़ा खराब है। जाते हैं कहीं देखते हैं आसपास में कोई ना कोई तो होगा, मोटर रिपेयरिंग सेंटर वहाँ ठीक करवा लेंगे। पूजा पाठ तो हमारी हो गई जी, और अब जो है निकलने की तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले सोचे कि थोड़ा सा पेट में कुछ जो है चले जाए। तो यहाँ पर गन्ना का जूस है, हम लोग पी रहे हैं यहाँ पर गन्ना का जूस। के पूरन देवी में हम लोग पूजा करके सीधा निकल रहे हैं तित्री दुर्गा स्थान, और बीच में ही एक जगह पड़ता है डूंगर, तो वहाँ का चाय पेरा मतलब जितना भी दूध का प्रोडक्ट होता है बहुत ही अच्छा रहता है। सभी लोग चाय ऑर्डर किए हुए हैं और सभी लोग पी रहे हैं चाय, और क्रियांश यहाँ पर सोया हुआ है, तो जल्दी से पहले हम चाय खत्म कर लेते हैं, फिर हम इसको ले लेंगे, फिर जिया पी लेंगे चाय, है ना। 1 hour later. तो हम लोग पहुँच गए जी तित्री के दुर्गा स्थान, अपनी गाड़ी जो है उधर पार्क कर दिया है, और एक दिक्कत क्या हुई है कि जो मेरा कैमरा था वहाँ लग रहा है एक का छूट गया, जहाँ पर हम लोग चाय पी रहे थे, तो वहीं पर चाय पीते समय जो है कैमरा हमने रखा था, उसके बाद ध्यान नहीं है कि गाड़ी में लाए हैं कि नहीं। अभी यहाँ पहुँचे और गेट खोले और सोचे कि कैमरा निकालते हैं गाड़ी से, लेकिन कैमरा जो है वहाँ पर हमें दिखा नहीं, तो हो सकता है कि शायद वहीं पर छूट गया हो, और हमारे जो दुकान वाले भाई साहब है अगर ईमानदारी होगी तो वहाँ कैमरा रखे होंगे, नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाकी देखते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, अगर कैमरा वहाँ रखा रहेगा तो अच्छी बात है, और नहीं रहा नुकसान हो जाएगा, अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। लगभग ट्रैपॉड और सब कुछ मिला जुला के 70,000 का कैमरा था हुआ, तो उम्मीद करते हैं कि मिल जाए, अगर मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ क्रियांश देख सकते हैं टीका का क्या किया है, पूरे चेहरे पर टीका फैला लिया है, हनुमान जी बन चुका है यार, बाल हनुमान। पूजा पाठ तो हो गया जी, इस मंदिर में भी सभी ने पूजा कर लिया है। अब हम लोग जो है यहाँ पर पास में एक चाट का दुकान है, तो वहाँ पर आ गए हैं, और जिया ने जो है रिया को भी फोन किया है, तो रिया भी आ रही है, और जाम में थोड़ा फंस गई है, तो देखिए कब तक आती है। तो यहाँ देख सकते हैं जी चाट का दुकान है, तो भाई साहब बना रहे यहाँ पापड़ी चाट। क्रियांश अपना दूध पी लिया है, बस हो गया इसका। हाँ वही क्रियांश, यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं जी पापड़ी चाट।
A few moments later. सबका जी हो गया खाना पीना और यहाँ पर तो पेट पूजा हो गई है और रिया भी आ गई है। रिया मिली क्रियान से कपड़ा लाइए मौसी इसके। वाह घर चल के चलो कोई नहीं सरप्राइज रहने देते। One hour later. तो फाइनली जी हमारा कैमरा जो है मिल गया है। यही दुकान पर हम भूल गए थे, हमारा अंदाजा सही निकला और भाई साहब जो है कैमरा को रखे हुए थे वो भाई साहब बोले कि एक हमारे यहाँ सब्सक्राइबर भी मिल गई थी तो वह कह रही थी कि आप जो है कैमरा पहले उसको दो फिर हम यहाँ से जाएंगे। तो धन्यवाद जी उस सब्सक्राइबर का, आपका इतना प्यार और समर्थन है हमारे लिए काफी अच्छा लगा जी, इतना ज्यादा केयर कर रहे थे आप हमारे लिए। यह जो भाई साहब है दुकानदार यह कह रहे थे कि अगर आपके पास उनका नंबर है तो आप जो है उनको कॉल करके बुला लीजिए। तब उसके बाद जो है उनके पास हमारा नंबर नहीं था तो इंस्टाग्राम पर लगातार कॉल आ रहा था वो जैसे बता रहे थे, लेकिन हमारा इंस्टाग्राम क्योंकि अभी बंद है क्योंकि डेटा ऑफ था तो इसलिए हमें नहीं पता चला कि कोई भी कॉल आया हुआ है। वो लोग जब भी इधर से गुजरते हैं तो यहाँ पर रुकते हैं, आप चिंता नहीं कीजिए कैमरा रखे रहेंगे, उनको उनका कैमरा मिल जाएगा। तो हम लोग आए और भाई साहब जो है कैमरा रखे हुए थे और वही भाई साहब जो है पूरी कहानी बताए जिया को कि ऐसी ऐसी बात थी। तो धन्यवाद कहना चाहेंगे इनका। और हम लोग जहाँ पर मंदिर गए हुए थे तो मम्मी वहीं पर मन्नत मांग रही थी कि अगर कैमरा मिल जाएगा तो माता फिर आएंगे आपके द्वार, फिर जाएंगे। और यहाँ मैंने भी मन्नत मांगा हुआ था, सोचा कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो चलिए जी फाइनली मिल गया,